सारे सत श्रीकाल नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो भाई ये व्लॉग जैसे मैं बता दूं ये थाईलैंड सीरीज के व्लॉग थे जो कि भाई पूरा डेटा करप्ट हो गया था बट फाइनली जाकर मेरा डेटा वापस से रिकवर हो चुका है। बहुत ज्यादा मुश्किल से मैंने रिकवर करवाया है। देखो पैसा तो खर्चा तो बहुत लगा बट ये आपको व्लॉग दिखाना था, यादें थी और फाइनली मैं बस बता सकता हूँ कितनी खुशी हो रही है मेरे को। और लेकिन इंट्रो रिकवर नहीं हुआ था, वापस से मैं घर आके इंट्रो लिया है। तो ये वीडियो जरूर देखना, थाईलैंड का था, मैंने रेलवे की जर्नी की थी तो इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। सारा कुछ देखना डिटेल में, मजा आने वाला है। मैं आ गया हूँ रेलवे स्टेशन पे, हुआ लामपोंग नेम है रेलवे स्टेशन का, यहाँ पर बैंकॉक में बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पर भाई मैं अपनी बुकिंग देखने आया हूँ। आई नीड टू चेक यार बुकिंग कहाँ से होगा। तो ऐसा कुछ रेलवे स्टेशन दिखता है, तो हुआ लामपोंग नीड टू चेक टिकट कहाँ से बुक होता है, लाइन में लग के बुकिंग करवाते हैं। ट्रेन नंबर 31। सो फाइनली जाकर भाई टिकट मिल चुकी है, मेरे चेहरे पे मुस्कान आप देख ही रहे हैं। और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बता दूँ मैंने सोचा यार इंडिया में ट्रेन जर्नी इतनी गई और थाईलैंड में आया तो अगर ट्रेन जर्नी ना करें तो कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं आपको आज दिखाऊंगा भाई वन एंड ओनली काफ़ी स्पेशल ट्रेन नंबर 31 यहाँ की जो ट्रेन जाती है। मैं जाऊँगा बैंकॉक से लेकर हुआ हिन तक और सेकेंड क्लास में मैं जर्नी करूँगा, देखेंगे कैसा रहेगा एक्सपीरियंस। ये मेरी टिकट है, मैं आपको दिखा सकता हूँ तो नहीं शायद क्योंकि इसमें पासपोर्ट नंबर भी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, शायद इसमें नहीं है। जैसे जर्नी स्टार्ट होगी तब मैं आपको ये टिकट भी दिखाऊंगा। पहले मैं जा रहा हूँ अपने होटल, चलते हैं होटल फटाफट से। यहाँ पर ये मेट्रो स्टेशन है शायद या रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन है तो मैं इधर से जाऊँगा पहले अपने होटल पर। गर्मी बहुत है एंड स्पेशल थैंक्स टू मेरे भाई प्यारे भाई सौमित भाई को, उन्होंने इतना गाइड किया ना, मतलब उनके वो ना गाइड करते ना तो बहुत मुश्किल होता मुझे। और फाइनली टिकट भी मिल गई और मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ और उन्होंने ही बताया है भी कहाँ जाना है और सब कुछ। यार ठीक है ना, अच्छा है ना, उनको पता है, वो मुझे गाइड कर रहे हैं और मैं आपको वीडियो में बता पा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे भाई लोग मिल जाए ना तो फिर टेंशन क्या बात की है। ओके गड़बड़ होगी, मैंने जाना था फेचा बूढ़ी और मैंने कहीं और की टिकट ले ली, मैंने ले ली था फरा की, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। तो देखते हैं भैया मेट्रो आने वाली है तो उसी में जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से और होटल जाते हैं पहले, वहाँ से थोड़ा सा दूर है होटल, टुक टुक ले लेंगे वहाँ से। बट ये कन्वीनियंट है मेरा, आई गेस 23-24 बाट लगा तो। बट ऐसा कुछ देख लो यहाँ का मेट्रो स्टेशन नीचे, और यहाँ पर देख लो मेरे को आई गेस पैसे ज़्यादा भरने पड़ेंगे, थोड़ी टिकट गलत ली है ना तो वहाँ जाकर ही पता लगेगा। मेट्रो आ गई है यहाँ की, लेट्स गो चलते हैं अंदर। हाउ मच आई हैव टू पे मोर? 5 baht। ओके चलिए उतर गए हैं भाई यहाँ पर, और जो मैंने टिकट गलत ली थी ना तो वो 5 baht और देकर ठीक करवा ली है, तो ये सही है यार सिस्टम। तो भाई ये गाड़ी मिली है भाई टुक टुक 50 baht में, बहुत मुश्किल से 100 baht बोल रहे थे, 50 में सेटिंग कर ली। भाई इंडियन है हर जगह कर ही लेते हैं, बाकी आपको भी करना चाहिए अगर आप आ रहे हैं तो, थोड़ा पार्किंग करेंगे तभी बात बनेगी। होटल से मैं निकल चुका हूँ और टाइम अभी 1 बजे है, अभी टाइम है काफ़ी, तो जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन और कौन से रेलवे स्टेशन से मेरी ट्रेन है पहुँच कर बताता हूँ मैं। है यहाँ का फाटक और फाटक लगा हुआ है, देखो रोड पर ही है फाटक लगाया और ये ट्रेन। मस्त यार पास में स्टेशन है और मैंने तो भाई देखो कैब मिली नहीं तो यही कर रही है भाई स्कूटी, ग्रैब कर लिया तो हमने निकली, अब फाटक खुल जाएगा। फाइनली जाकर पहुंचा हूँ स्टेशन पे, आई गेस यही है, आई एम नॉट श्योर, ये है बैंक सुई ग्रैंड स्टेशन। पहले तो जहाँ से मैंने टिकट परचेज की थी ना वहाँ से जाती थी ट्रेन, बट अब शायद यहाँ से जाती है। और टिकट मैं आपको दिखाता हूँ अंदर चल के, सिर्फ 25 मिनट पड़े, मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा यहाँ से जाना है या दूसरे स्टेशन से जाना है, लेट मी चेक। चलो चलते हैं अंदर, पूछते हैं किसी से एक बार, आई गेस यही होना चाहिए। और भाई क्या स्टेशन बनाया हुआ है, इतना बड़ा वन इज एंट्रेंस। ओके Okay. Number 5, then you turn right. Platform 7 and 8. Okay, thank you. भाई क्या स्टेशन बनाया है भाई, फुली एयर कंडीशनर, क्या एसी चल रहे हैं जबरदस्त। लेट्स गो चलते हैं, देखो ये सारे वॉशरूम्स हैं इस साइड पे और ट्रेन आई गेस प्लेटफॉर्म नंबर 7-8 पे है, तो ये यहाँ का वेटिंग एरिया हो गया, सब लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, लेकिन नीट एंड क्लीन और ज़बरदस्त। फाइनली जाकर मिल गया, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 8 साइड पे है और ट्रेन जा रही है हथहाई जंक्शन, तो देखो पीछे टाइमिंग भी मेंशन है। तो यहाँ पर क्यू दिखाता हूँ, क्या सिस्टम है सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो देखो ये है मेरी टिकट, टिकट मैं अच्छे से एक बार दिखाता हूँ आप, तो ये भाई मेरी टिकट ठीक है, देख लो ट्रेन नंबर 31 स्पेशल एक्सप्रेस CNR, और ये स्टेशन हो गया
हुनहाई तक मैं जा रहा हूँ, डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम सब कुछ मेंशन है। और मेरा आज कोच है कार 4 सीट नंबर 22 लोअर बर्थ क्लास सेकंड स्लीपर कोच में आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। यहाँ पर ऐसी लाइन लगती है तो प्रॉपर वे में लाइन लगाई हुई है सबने, और उसके बाद एंट्री होगी वहाँ से। तो टिकट दिखाकर, पासपोर्ट दिखाकर फिर जाएंगे अंदर। विच साइड दैट साइड दैट साइड ओके। ये देखो नीचे से ऐसे जाना है और ऊपर जाकर दिखाते हैं, ट्रेन लगी हुई है ऊपर ही। ऊपर आया हूँ मैं और ये रही भाई ट्रेन, कार नंबर 4 है मेरा, दैट इज 3। आई चेक 4 कौन सा। ये है मेरी कार नंबर 4। यहाँ पर ट्रेन नंबर, कोच देखो, कार नंबर 4, ट्रेन नंबर सब कुछ मेंशन है और ये स्टेशन का नेम है। चलिए अंदर चलते हैं। ओके, जैसे आप अंदर आएंगे तो वो वाह यार क्या बात है भाई साहब, गजब। तो ऐसा कुछ है भाई इसका इंटीरियर। मेरा है सीट नंबर 22 या दिस वन लोअर बर्थ, क्या बात है। सबसे पहले तो भाई लगेज रखते हैं, फिर आपको अच्छे से इंटीरियर दिखाता हूँ। इसके अंदर आ चुका हूँ, ऐसा कुछ है यहाँ का इंटीरियर भाई साहब, क्या लुक है। फर्स्ट इम्प्रेशन तो बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब लग रहा है भाई कहीं फॉरन में आए हैं। तो आपको अच्छे से इंटीरियर दिखाता हूँ, मज़ा आएगा। तो ब्लॉगिंग में थोड़ा सा होता है, लेकिन लोग यहाँ पर भी कभी कभी थोड़ा बहुत देते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बट मज़ा आएगा आपको। पहले इंटीरियर दिखाता हूँ, फिर मैं ट्राई करता हूँ फर्स्ट क्लास का भी आपको इंटीरियर दिखाऊँ, क्योंकि टाइम अभी 17 मिनट्स पड़े हैं डिपार्चर होने में। इंटीरियर की अगर बात करें तो देखो, जैसे हमारे इंडिया में होता है ना, साइड लोअर साइड अपर, सेकंड क्लास का ही कोच है, हमारे वहाँ 4 सीट्स होती हैं, जैसे लोअर अपर, बट ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखो लोअर है, अपर है, और इस साइड भी लोअर है और अपर है, सिर्फ 4 सीट्स होती हैं, मतलब साइड लोअर साइड अपर, वो सिस्टम नहीं है और बिल्कुल अलग है। थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा, काफ़ी लोग यहाँ पर अंदर भी आ चुके हैं, सो आई डोंट वांट बी कोई डिस्टर्ब हो। ऊपर आप अपना लगेज रख सकते हैं, छोटा बैग जैसे मेरा बैग है तो वो मैं ऊपर रख दूंगा। 4 सीट्स के लिए आई गैस है, 1, 2, 3, 4 ऊपर रखने के लिए, उधर भी बना हुआ है, हर जगह आपको लगेज मिल जाएगा। और भाई सीटिंग तो कुछ कहना ही नहीं है इसका, इतना कंफर्टेबल है ना। आगे आगे देखते रहो, बहुत कुछ है इसमें तो मैं आपको बताऊंगा। ये लोअर होगी, ये अपर होगी, अभी ये बंद है तो आपको मैं दिखाऊंगा ये जब खुलेगी। करना है तो इसको आपको टच करना पड़ेगा। तो ये देखो ऐसे गेट ओपन हो जाते हैं, और अगर बाहर जाना है, वैसे ये वॉशरूम एरिया है, ये मैं आपको ट्रेन निकलेगी ना तब अच्छे से दिखाऊंगा, और इसको करेंगे टच। तो देखो जैसे हमारे दो कोच के बीच में होता है ना, बट यहाँ पर गेट्स लगे हुए हैं, देखो प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। चलिए फर्स्ट क्लास का ट्राई करता हूँ इंटीरियर दिखाने का एक बार। मैं बता दूँ ये ट्रेन भाई थाईलैंड की वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन कह सकते हैं, लग्जरी ट्रेन है। अभी रिसेंटली इसको नई कोचेस मिले हैं, मेड फ्रॉम चाइना ट्रेन का नेम है भाई, स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन है। चलते हैं फर्स्ट एसी का कोच आपको एक बार मैं दिखाता हूँ। सो अभी मैं फर्स्ट एसी में आ गया हूँ। तो ऐसा कुछ है फर्स्ट एसी, पूरा कूप रहता है यहाँ पर, कैबिन नहीं रहता, और भाई साहब क्या लग रहा है ना। तो ये देखो यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये गेट हो गए बंद, ऐसा रहता है, और डिस्प्ले गेट खोल देता हूँ किसी और के, और ऐसे आएंगे तो यहाँ पर देख लो डिस्प्ले है ये वाली, जिसमें कोच नंबर और बाहर का टेम्परेचर सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखो आउटसाइड टेम्परेचर, इनसाइड टेम्परेचर आपको दिख रहा होगा, ट्रेन नंबर लाइक दैट सब कुछ है, और वॉशरूम वेकेंट है नहीं है, सारा कुछ इस पर डिस्प्ले है। और भाई काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इनका चलना पड़ेगा जल्दी। तो ये देख लो यहाँ पर सिर्फ आपको कूप मिल जाएगा, लेकिन दिन में आपको यहाँ पर बैठना पड़ेगा, और अपना यहाँ पर ऐसे करके खाना पीना कर सकते हैं आराम से, बढ़िया। ऊपर वाली बर्थ होगी, नीचे होगी, और इधर आएंगे तो देखो टेबल मिल जाएगा आपको, और वाटर बॉटल होल्डर, डस्टबिन इधर है, और इधर आएंगे तो देखो छोटा सा मिरर है, थोड़ी लाइट कम आई गैस, और ये हो गया टैप, पानी आता है, इसमें सोप रखा हुआ है। दिस वन इज आई गैस जो हमारे फर्स्ट एसी में होता था ना, तो ये ओपन नहीं हो रहा है, आई एम नॉट श्योर कैसे ओपन होगा, मतलब कब बेड है ये वाली। आ चुका अपने कोच में वापस, और अभी देख लो टाइम 2:45 हुआ है, 5 मिनट के अंदर डिपार्चर हो जाएगा ट्रेन का। और भाई अजीब फीलिंग आ रही है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, आपको इंटीरियर दिखाया कैसा लगा बताना, बहुत अच्छा लगा यार मुझे तो। और ये चीज़ देखो, ये ऑटोमेटिक डोर्स हैं यहाँ पर भी, जैसे हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस में, और यहाँ पर लिखा है ना देखो, इसके ऊपर नहीं खड़ा होना, क्योंकि स्टेशन पे ना ये क्या, ये नीचे चला जाएगा देखना, और उसके बाद ये बाद में ऊपर आता है, तो इसलिए यहीं तक खड़े हुए हैं आप। Is there any vegetarian? Just vegetarian. You want no meat? No meat. No meat. No meat. 1, 2. Yes. 1, 2. That's it. 3. 3 vegetarian. Okay. Yes, no meat. Okay.
ओके ओके ओके, तो देख लो ऐसा कुछ मेन्यू मिला है। और ट्रेन में आपको एक चीज दिखाऊंगा बाद में, ऑलरेडी शायद आप ट्रेलर में देख चुके होंगे भाई, इसमें डाइनिंग कार भी है जैसे हमारे डेक्कन क्वीन में है। तो ये देख लो, ये वेज में स्प्रिंग रोल, फ्रेंच फ्राइज एंड फ्रूट्स, दैट्स इट। बाकी एवरीथिंग इज नॉन वेज, जैसे हमारे मिलता है ना अपने को क्या कहते हैं थाली सिस्टम, तो अलग अलग बाट की थाली है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ठीक है। और ये हो गया, तो अलग अलग चीजें हैं, दिस वन 22 सीट नंबर इज लोअर। चलिए भाई टाइम देख लो, शार्प 2:50 पे निकल चुकी थी हमारी ट्रेन, और हरी झंडी दिखाते हुए वाइस अब निकलते ही एक्सेलरेशन देखो, गेट्स मैंने क्लोज हुए हैं वो मैंने आपको अभी नहीं दिखाई क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर दे रहे थे। मैं देखो ना कैसा बना हुआ, ऊपर बना हुआ, नीचे सब बैठे हैं और लिफ्ट से और ऊपर आना पड़ता है। और देखो यहाँ लाइन्स में जो कि सारी जो है ना वो मीटर गेज की लाइन है, ब्रॉड गेज यहाँ पर बहुत रेयर आएगी। ऐसे मैं बता दूँ ये जो ट्रेन है ना ट्रैक्स यहाँ पर सारे मीटर गेज के हैं, ब्रॉड गेज नहीं है यहाँ पर, और होंगे शायद रेयर, बट ये सारी ट्रेन मीटर गेज पे हैं। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 120 किलोमीटर पर आवर। तो देखेंगे एक्सेलरेशन तो अभी निकलती काफ़ी बढ़िया होगी, और मैं थोड़ा थोड़ा धीरे ही बोलूँगा क्योंकि सारे साइलेंट रहते हैं यहाँ पर और अच्छा भी नहीं लगता ना, ज़्यादा किसी को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। एक्चुअली ये सारा खाली है अभी मेरी साइड पे, आगे से भर जाएगा, तो इसलिए सोच रहा हूँ यहीं अभी बातचीत ज़्यादा कर लें। लेकिन अलग लेवल एक्सपीरियंस आ रहा है, मैंने सोचा नहीं था यार। देखो स्लीपर क्लास से स्टार्ट की थी जर्नी इंडियन रेलवेज में, और भाई अब यहाँ पर हम थाईलैंड में भी ट्रेन राइड ले रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप ही सबका प्यार है तभी सपोर्ट से हो पा रहे सब कुछ। तो देखो यहाँ पर आपको लोकोमोटिव भी दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, बट वो है ना ज़्यादा आगे बाद में दिखाऊंगा आपको मैं लोकोमोटिव। बाकी हमें देख लो हर एक सीट के ऊपर एक एक पानी की बॉटल रखी हुई इन्होंने, ड्रिंकिंग वाटर, दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट्री ठीक है। और ये होगा ट्रे टेबल, खाना पीना करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं। लो जी प्लेटफॉर्म स्किप होते हुए, साथ ही साथ आपको यहाँ पर कर्टन्स भी देखने को मिल जाएंगे। देखो अपना कर्टन्स लगाए, बहुत बढ़िया कर्टन्स है, और इसको यहाँ पर आप लगा सकते हैं। इधर आप वो देखो ऑन करेंगे रीडिंग लाइट होगी, तो इसकी रोशनी ठीक है, तो यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट हो गया। ये देखो यहाँ पर भी डिस्प्ले है, पूरा मैप शो हो रहा है भी कौन सा स्टेशन अगला आने वाला है और कहाँ तक जाएगी ट्रेन। देखो नेक्स्ट स्टेशन लिखा है ना बैंग बमरू, पता नहीं यार प्रोनाउंसिएशन आई एम नॉट श्योर, मेरी थोड़ी गलत भी हो सकती है। देखो पूरा मैप शो हो रहा है, देखो ये स्टेशन आ गया और ये स्टेयर्स हुई नीचे, तो एक फर्स्ट स्टेशन हम पहुंच चुके हैं। और ये देखो स्टेयर्स नीचे होगी जो मैं आपको दिखा रहा था, तो अगर आप भी ट्रैवल करें इस चीज़ का ध्यान रखें, फुट यहाँ पर रखें। ऑटोमेटिक डोर्स हैं, प्रेस टू ओपन के लिखा है, प्रेस टू क्लोज, प्रेस टू ओपन डोर एंड स्टेप्स, ये यहाँ पर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए निकल चुके और निकलते देख लो एक और ट्रेन हो रही, वाह ये सही लग रही है यार बड़ी, क्या बात है। चलो यहाँ पे आपको क्रॉसिंग देखने को मिलेगी। सयाला स्टेशन भाई पहुँच गए हैं हम, देखो सलाया स्टेशन, सलाया स्टेशन पहुँची ट्रेन, और यहाँ पर भाई काफ़ी लोग चढ़ने वाले हैं। तो देख लो भाई टिकट चेक करने वाले आए थे और टिकट चेक हो गई है हमारी, ऐसे यहाँ पर ये कट करते हैं, टिकट चेक हो गई है। नज़ारे बहुत सुंदर आ रहे हैं, और देखो ब्रिजेस भी आ रहे हैं, और काफ़ी मज़ा आ रहा है अब तक तो राइड में। अभी पहुँचे हैं, ये क्या नाम है भाई, एक तो प्रोनाउंसिएशन भी नहीं मुश्किल हो जाती करनी करनी कभी कभी। देखो अभी यहाँ पर प्लेटफॉर्म सारे मतलब ऊपर वाले बन रहे हैं, और हम पहुँचे हैं स्टेशन कौन सा है ये देखो यहाँ पहुँच गए हैं, नेम देख लो नाखोन पतोम, ये है नाखोन पातम, ये प्रोनाउंसिएशन में भी मेरी रॉन्ग हो सकती है, रियली सॉरी गलत लगा तो। यहाँ से देखो मैंने यहाँ पर लेज के चिप्स मिल रहे थे, थैंक यू 30 baht का ये मुझे मिला, ये वेज मिला तो ये मैंने लिया। तो देखो खाना भी सब हो रहा है सबका यहाँ पर ट्रेन के अंदर ही। चिप्स है ना भाई टेस्ट में काफ़ी बढ़िया है, मतलब बिल्कुल अलग है, 30 baht का है ऑलमोस्ट, मान के चलो ये हुआ 70-75 rupees, टेस्ट बढ़िया है। और भाई मेरी तो एडिटिंग भी होगी बट मैं ब्लॉग अभी नहीं डाल रहा, आराम से डालेंगे एक बार इंजॉय करें यार इसको भी है ना, सारा दिन ब्लॉग डालने हैं तो पहले ये मूवमेंट को भी जीना चाहिए मेरे हिसाब से। ब्लॉगिंग कर रहे हैं बट आपको दिखाएं भी यार मज़ा आ रहा है। ट्रेन रुकी हुई अभी कोई स्टेशन पे, और ये देखो ऐसी होती है इनकी अपर बर्थ, मतलब बेडिंग करते हैं खुद से आकर, मतलब आपको कोई ज़रूरत नहीं है करने की। और अलग से इन्होंने देखो बेडिंग के लिए रखे हुए फॉर्म्स, और साफ से बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको वहाँ पर देखो बेडशीट्स मिल रही है ना, तो ये
मेरी तो ऊपर की हुई है बट कोई आएगा तो देखो ऐसे खोल देते हैं ये बाहर से ऐसा कुछ दिखता है। और एक साइड पे देखेंगे तो गेट्स हैं, तो मतलब ये कोच की उस साइड पे आपको गेट्स मिल जाएंगे। और इधर हो गया वॉशरूम एरिया जहाँ पर आप अपना हैंड वॉश कर सकते हैं। इसको टैप करेंगे तो देखो पानी आएगा। यहाँ पर टिश्यू है, सोप है, मिरर है सामने बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और जैसे हमारे वंदे भारत एक्सप्रेस में ना टॉक बैक सिस्टम, तो वैसा भी इसमें इमरजेंसी में ही आपको सिर्फ प्रेस करके टॉक कर सकते हैं। चलते हैं एक बार आपको वॉशरूम्स भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको डस्टबिन मिल जाएंगे नीचे, और यहाँ पर कुछ टांगने के लिए हो गया है ऐसा कुछ है। यहाँ पर दो वॉशरूम्स बने हुए हैं, वेस्टर्न स्टाइल और एक यूरिनल सिर्फ जेंट्स के लिए, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस साइड भी डस्टबिन रखा हुआ, पेपर डस्टबिन बैग। मैं आ गया हूँ यूरिनल वाले में, देख लो यहाँ पर यूरिनल है और सेंसर सिस्टम है। सेंसर के साथ ये देखो पानी आ जा रहा है ऐसे। अरे सुमित भाई के साथ भी ऐसा हुआ था अभी, तो देख लो मैंने कुछ किया ही नहीं और ये फ्लश हो गया। और यहाँ पर देखेंगे इधर तो यहाँ पर भी हैंड वॉश के लिए हो गया, और ये हो गया अपना सोप, और ये एयर फ्रेशनर लगा हुआ है। यहाँ पर टिश्यूज हो गए, डस्टबिन है नीचे, तो ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है ना। मतलब अगर आप किसी को यूरिन करना है जेंट्स को, तो स्पेशली उनके लिए बना हुआ है। कभी कभी क्या होता है वेस्टर्न स्टाइल करते करते बंदे गंदा कर देते हैं। और इसको मैंने जैसे लॉक किया ना, देखो अनलॉक करूँगा लाइट बंद होगी, ये किया तो लाइट चालू होगी। भाई क्या सिस्टम है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भारत गौरव में किया था, उसमें वॉशरूम के अंदर यूरिनल था, इसमें अलग से बना हुआ। मैं आ गया हूँ वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम में। यहाँ पर भी मिरर है काफ़ी बड़ा, नीट एंड क्लीन, लाइट मिल जाएगी। और या एग्जॉस्ट फैन तो चल रहा है, स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रही 1% भी। यहाँ पर टिश्यूज, वही हैंड वॉश, सब कुछ सेम है, जेट लगा हुआ है। और ये दिखा सकते हैं भाई, बिल्कुल साफ सुथरा, देखो टॉप नॉच है भाई। अगर वॉशरूम आ रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। यहाँ पर देखो हैंडीकैप्स के लिए स्पेशल मिल जाएगा, व्हील चेयर रख सकते हैं, और हैंडीकैप्स के लिए स्पेशल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हैंडीकैप्स। और ये हैंडीकैप्स का वॉशरूम हो गया, क्या बात है, ये भी बड़ा अच्छा सिस्टम लगा। कोई स्टेशन आ गया, मैं आ गया हूँ इनके डाइनिंग एरिया में। चलते हैं पीछे डाइनिंग एरिया और देखते हैं भाई। मैंने ऑर्डर तो किया था, अगर वेज होगा तो पक्का तो ही खाऊंगा, ऐसे नहीं खाऊंगा। वेलकम आप सभी का, ये है यहाँ का डाइनिंग कार। तो जैसे आपको पता डेक्कन क्वीन में था तो ऐसा कुछ बना हुआ है, बहुत सुंदर है यार ये। तो ऐसा कुछ देखो, यहाँ पर मिरर है, कर्टन्स लगे हुए हैं, फ्लावर आपके लिए रखा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो भैया ही ऑर्डर लेने आए थे, अब मैंने यहाँ बोल दिया है, ट्रांसलेट किया। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो भाई गूगल ट्रांसलेटर खोलो और कन्वर्ट कर लो थाई में और समझा दो, थोड़ा बहुत समझ आ जाता है। और मैंने प्योर वेजिटेरियन लिख के किया है, और आई गेस वो समझ के कह रहे हैं यस यस कर दें, खोल के देखूंगा फिर देखूंगा भाई, तभी खाऊंगा ऐसे नहीं। मेरा ये आ चुके हैं स्प्रिंग रोल, बट दैट इज़ टू मच ऑयली यार, ये देखना कितना ऑयल है। यहाँ पर सारे लोग बहुत ऑयल खाते हैं, ये तो नहीं मैं खा पाऊँगा, रियली सॉरी। लग्जरी है ना, मतलब पहली ट्रेन ही मैंने राइड की है थाईलैंड में, और अच्छी ट्रेन मैंने चूज़ की थी, जो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन है थाईलैंड रेलवेज की, और मज़ा आ गया भाई। दिस एरिया इज वेरी ब्यूटीफुल, या वन हॉट चॉकलेट। तो यहाँ पर देख लो आपको खाने को बहुत कुछ मिल जाएगा, चिप्स ये देख लो। ओके थैंक यू। तो ये भाई यहाँ से ले आया मैं हॉट चॉकलेट, वो दे जाएंगे टेबल पर। चलिए भाई अब खाते हैं आराम से। वो भी एरिया काफ़ी बना ही बढ़िया बना हुआ, लाइव लेडीज़ काम करती हैं मोस्टली यहाँ पर, वहाँ पर भी लेडीज़ काम कर रही थी, और अब ठीक लग रहा है। देखो मैंने रिप्लेस करवा लिया, पहले बहुत ऑयली था ना। तो इसको ओपन किया भाई मैंने अभी, और ये समझ नहीं आ रहा है क्या है, तो भैया को बुलाया है, अभी पूछते हैं इनसे ये क्या है। वेजी है ना, तभी खाऊं कर लेते हैं। एक्चुअली मैंने पूछ लिया है तो ट्रांसलेट भी किए, नूडल्स डली हुई इसमें, तो लेट मी ट्राई। नूडल्स हैं और टेस्ट ओके ओके, मतलब टेस्ट तो और किसी चीज़ का है ही नहीं, बिल्कुल फिक है, और ये स्वीट है, ठीक है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मुश्किल होगा, नॉन वेज तो बहुत कुछ मिल रहा है। दिस इज़ गुड, लेकिन मिल्क नहीं है इसमें बिल्कुल भी, पानी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन टेस्ट ठीक है इसका। मेरे से तो और नहीं खाया गया, बहुत मुश्किल से 3-4 2-3 पीस खाए, रख दिया, अच्छा नहीं लगा यार टेस्ट में बिल्कुल भी। ये ठीक है, ये पी सकते हो अगर आप आ रहे हैं तो, ये नहीं खाना भाई, ये अच्छा नहीं लगा, और ये पी सकते हैं। तो चलिए बेडिंग करवाते हैं, अभी देखना ये बेड बन जाएगा पूरा, और लगेज आपको साइड में रखना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होती बेडिंग। और टिकट चेक करते हैं अभी किधर से कहाँ जा रहे हो, फिर ही बेडिंग होती है। क्या बात है,
भाई साहब ऐसे ही है ना, पूरा बेड बन गया, बेडशीट नीट एंड क्लीन, साथ में फोम वाला बिस्तर बिछाते हैं साथ में, क्या बात है। हो चुकी है और देखो ना भाई क्या बना दिया इन्होंने, आपने देखा ना क्या चेंज ही कर दिया, जो कुछ सीट है और कितना कंफर्टेबल है, फॉर्म लगा दिए नीचे और बेडशीट बिछा दिए, पीछे पिल्लो रख दिया है, यहाँ पर कर्टन्स और बिल्कुल प्राइवेसी होगी। और देखो यहाँ पर भाई कोई ट्रेन को हम क्रॉसिंग कर रहे हैं और स्टेशन भी कोई निकल रहा है, देखो स्टेशन के नेम नहीं मुझे ज़्यादा पता बट बढ़िया लग रहा है ना, मतलब प्राइवेसी भी होगी। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये देखो इसके पीछे आपको आराम से बैठने के लिए बैकरेस्ट भी मिलता है, बट अगर आप अपर बर्थ लेंगे तो उसमें नहीं मिलता। रीज़न है कि ये भी है क्योंकि इसके लिए थोड़ा चार्ज जाना ज़्यादा देना पड़ता है। अब मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, मैंने पे किया इसके लिए हुआ इन तक, बैंकॉक से हुआ इन जा रहा हूँ मैं, 800 बाट, मतलब ऑलमोस्ट मान के चलो आप कन्वर्जन आपको आ गया होगा ऑलमोस्ट 2000 रुपये के करीब, मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से देखे तो। और यहाँ पर देखो आपको मिल जाएगा बिल्कुल पैक्ड नीट एंड क्लीन ब्लैंकेट, और ऐसा कुछ दिखता है भाई, है ना मस्त लग रहा है। ऊपर वाली सीट पे देखो आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पर देखो आपको जो आपको दिखाया ना इधर, तो ये ऊपर नहीं मिलेगा आपको, तो बढ़िया से आराम से अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, अब जहाँ खुलती है वरना आपको सीधा मिलता हूँ मैं हुआ इन में। इनकी बोतल ना एक ही मिलती है एक बंदे को, मैं पी गया एक पहले और अब एक और खोल ली थी, तो बोला मेरे को कह रहा भाई 1 person 1 bottle, मैं कहा ओके, तो ये चीज़ का भाई ध्यान रख लेना। देखो कोई स्टेशन आया अभी तो देखो कैसे, मतलब ना जो वेंडर्स है ना तो यहाँ पर बेचा करेंगे, अपनी इंडियन रेलवे में होता है ना वेंडर्स अंदर आ जाते हैं बेचने के लिए, तो यहाँ पर अलाउड नहीं है, तभी देखो गेट पर वो बेच रहे हैं फटाफट से, मतलब ऑटोमेटिक डोर से, लेकिन वो जो टेंडर्स जो भाई है ना खड़े हैं, भाई क्या हुए सर, तो वो बंद करते हैं अपने हाथ से, वहाँ बंद हो जाता है। बढ़िया, चलिए भाई अब बंद हो, भाई रेस्ट करते हैं बढ़िया से और आपको मिलते हैं सीधा हुआ इनमें। देखो अभी जैसे मैंने देखा तो साइडों में पहाड़ भी आ गया, तो रोड पे आपको पहाड़ भी देखने को मिल रहे हैं, ऐसे लग रहा है भाई मैं तो इंडिया में जर्नी कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ भाई, मुझे तो पता ही नहीं था इस रोड पर टनल भी आती है। देखो अभी टनल गई एक, चलिए जी फाइनली पहुंच चुके हैं हुआ इन में, और ऐसा कुछ बाहर से इंटीरियर था, बस चलते हैं उतरते हैं। और ये अटेंडेंट का देख लो ऑफिस है, मतलब यहाँ पर अटेंडेंट बैठते हैं। चलिए भाई गुड बाय टू दिस लवली ट्रेन, और ये हो गया स्टेयर्स, थैंक यू। तो ये भाई अपने एलपी साहब उतर गए हैं क्योंकि ड्यूटी चेंज हुई है ना, तो एलपी साहब यहाँ उतर गए हैं, और ये हो गया इस गाड़ी का जनरेटर कार, ठीक है जी। अब मैं आपको लोकोमोटिव दिखाने जा रहा हूँ, और ये रहा भाई लोकोमोटिव 5215, एक मिनट को यहाँ से देखो, वाह यार ऐसा है भाई लोकोमोटिव यहाँ का, है ना शानदार, और डीजल लाइन है सारी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक नहीं है तो डीजल है, सोचा आपको एक बार दिखा दें, हुआ इनका स्टेशन है एंड डिपार्चर हो रहा है, देख लो ऐसे सिग्नल दिखाया जाता है यहाँ पर, और आपको 360 से भी थोड़े से शॉर्ट दिखाता हूँ डिपार्चर के, अंधेरा बहुत है बट लेट मी ट्राई। ये लो भाई सिग्नल हो गया है, और देख लो इसके जो कोच है ना वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक दौड़ सकते हैं, जो भी ये देखो ये लिखा हुआ, फाइनली भाई पहुंच चुके हैं हुआ इन में, और हमारी ट्रेन ने बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचाया था, ट्रेन तो निकल चुकी है आपको मैंने डिपार्चर भी दिखाया। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं तो भाई जर्नी एक्सपीरियंस काफी लाजवाब रहा, मज़ा आ गया भाई, A1 क्लास की गाड़ी थी, पूरी लग्जूरियस फील आ रहा था। और जो मैंने खाने का प्राइस वो मैंने 180 बाट दिया था, लेकिन वो वर्थ नहीं लगा, वो तो मुझे बिल्कुल वर्थ नहीं लगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको बड़ा अच्छा मिल सकता है खाना पीना, काफ़ी लोग यहाँ पर खा रहे थे, जैसे अपने थाली का ऑर्डर लेने आते ना वैसे यहाँ पर सिस्टम है। तो चलिए आपको कैसी लगी भाई मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेन जर्नी, तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना, इस वीडियो को लाइक किया करो यार, बताओगे नहीं कैसा पता लगेगा, कुछ कमी है तो बताओ, और कुछ भी डाउट होगा इस ट्रिप से लेकर तो आप कमेंट कर सकते हो। चैनल पे नए हो मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, मिलूंगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में, अभी तो भाई देखता हूँ मैं कोई होटल या फिर मेरा मन तो कर रहा है बैंकॉक चला जाऊँ, लेकिन आपको एक और जर्नी दिखानी थी यहाँ से। चलिए जैसा भी होगा आपको भाई अपडेट मिल जाएगा आने वाले व्लॉग्स में, मिलूंगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।